वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आपका मेरे किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाने जाने वाले हैं एक पराठा, भरा हुआ अंडा स्टफ पराठा। उसके लिए हमें चाहिए भुना हुआ आटा, एक या दो अंडे, बारीक कटा हुआ एक छोटा प्याज, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, काली मिर्च पाउडर और धनिया। और आप तेल ले सकते हैं या घी ले सकते हैं, मैंने लिया है अमूल बटर। तो चलिए बनाते हैं करारा पराठा। और अगर सुबह सुबह चाय के साथ करारा गर्मा गर्म पराठा मिले तो उसकी बात ही कुछ अलग है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाएंगे हम स्टफ एक पराठा। तो दोस्तों, मैंने एक अंडा लिया है, इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्च, आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक, धनिया। धनिया डालने से स्वाद बढ़िया आता है, तो आप धनिया भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। इसको अभी हम फेंट लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं फेंटना है क्योंकि ज़्यादा फेंटने से ये पतला हो जाएगा और ये पराठे से बाहर आ सकता है। तो हम उसको थोड़ा सा फेंट लेंगे चम्मच के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अंडा मैंने फेंट लिया है। अब रोटी को हमें राउंड शेप में बेलना है। तो आप देख सकते हैं रोटी को मैंने राउंड शेप में बेल लिया है। तो अब हम इसको घी लगाएंगे या बटर लगाएंगे या तेल भी लगा सकते हैं। तो हम अभी रोटी को घी लगा देंगे। अच्छी तरह से हमें घी फैलाना है, मैं बटर लगा रही हूँ। घी लगाने के बाद हम इसको हाफ सर्कल में इसको मोड़ लेंगे और इसके जो कॉर्नर है वो हम इसको थोड़ा दबा लेंगे। ये हाफ सर्कल हो गया। चाहे तो आप ऊपर इसके ऊपर भी घी लगा सकते हैं थोड़ा सा। फिर हम इसको मोड़ लेंगे, हम ऐसा बनाना है हमें इसे। तो ये हुआ अपना ट्रायंगल तैयार। तो अब हम इसको सूखा आटा लगा के रोटी को ट्रायंगल शेप में बेल देंगे। मैं ट्रायंगल में बेल रही हूँ, आप चाहे तो गोल भी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने रोटी को ट्रायंगल शेप से बेल लिया है। अब मैंने तवे को बारीक फ्लेम पे रख दिया है। हम अब ये रोटी तवे पे डाल देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे गैस रख के मैं रोटी को धीरे धीरे पकाने वाली हूँ ताकि रोटी को जो है वो लेयर्स आ जाए, क्योंकि उसी लेयर्स में हमें ये अंडा जो है वो स्टफ करना है। रोटी को हम धीरे धीरे पका लेंगे, इसके किनारों को हम पका लेंगे ताकि कच्चे ना रह जाए। अच्छे से सेक लेंगे रोटी को। तो आप देख सकते हैं कि धीमी आंच पे मैंने रोटी को अच्छी तरह सेक लिया है और इसके लेयर्स भी आ गए हैं। ये जो लेयर दिख रहा है आपको, इसको हम धीरे धीरे खोलेंगे और उसी में हम अंडा धीरे धीरे डालें। देखिए अपनी लेयर तैयार हो गई है, इसमें हम धीरे धीरे अंडा डाल देंगे। अभी
आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अंडा डाल रही हूँ इसके अंदर, ताकि ये फैले ना। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे अंडे को धीरे धीरे करके डाल दिया है। अब हम इस परत को बंद कर देंगे। तो हमने अंडा पूरी तरह से स्टफ कर दिया है पराठे में। अब हम लगाएंगे इसको तेल। घी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। घी और बटर में बनाएंगे तो इसकी परत बहुत अच्छी आएगी, लेज आएंगे। तो आप अच्छी तरह से घी लगा देना और जो कॉर्नर्स है उसको अच्छी तरह से चम्मच से प्रेस करना, ताकि वो पक जाए। हम इसको टर्न करेंगे। देखिए कितना मस्त करारा एग स्टफ पराठा हमारा ऑलमोस्ट बन जाएगा अभी। तो दूसरे साइड से भी हम इसको थोड़ा सा घी डालेंगे। ये सब हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है। पराठा कितना बढ़िया तरीके से बना है, मैं अभी दूसरी साइड से दिखा देती हूँ। ये देखिए मीडियम आंच पे ही मैं कर रही हूँ। तो अब हम इसको काट लेंगे। तो हमारा गर्मा गर्म अंडा पराठा तैयार हो गया है। मैंने देखियो इसको काट लिया है। आप देख सकते हैं इसका करारापन और इसमें जो अंडा स्टफ हुआ है, तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी स्टफ पराठा बन गया है हमारा। तो ये हमारा एग पराठा बनके तैयार हो चुका है आपके लिए। आप चाहे तो इसको सॉस के साथ खा सकते हैं, या सुबह सुबह चाय के साथ गर्मा गर्म पराठा आप ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।